सब? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दूर रहो हम लोगों से, हमको तुमसे कोनो बात नहीं करना है। हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। नहीं है तो हम इस घर में नहीं रह सकते। हमरा जाने के बाद इसका जो दिल में आए करे, जैसे दिल में आए रहे, हम इसको रोकने नहीं आएंगे। इसको ये भी बोल दो कि इसने जो किया है बहुत गलत किया है, और एक दिन इसको अपना गलती का एहसास होगा। इसको कभी पैसा का जरूरत पड़े तो तुमको फोन कर दिया करे, इसका अकाउंट में डलवा देंगे। भैया, भैया प्लीज, हमें खुद से अलग मत कीजिए। हम आप लोगों के बिना अकेले कैसे रह पाएंगे? भैया प्लीज, हमें अकेले मत छोड़िए। चुप! चलो आशा। भैया, भाभी, भाभी प्लीज भैया को रोकिए, हमें अकेले छोड़कर मत जाइए। हम आप लोगों के बिना नहीं रह पाएंगे। रहना तो पड़ेगा शालू, कहे कि अब हम तुम्हारे भैया को नहीं रोक पाएंगे। तुमने उनके दिल में जो जख्म दिया है ना, उसको भर पाना बहुत मुश्किल है। ये आज और कुछ भी हो रहा है, ये सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। काश कि तुम हमारे पास पहले ही मान लिए। हम चलते हैं, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। आपसे पहले ही कहले रहे कि इस शहर में सुकून नहीं बा, शांति नहीं बा, इच्छा मत रही, कहीं और चली। और आज फिर कहा थे छोड़ दी शहर, जहां हर रोज डर डर के जिए के पड़े, और झरले में कहा फायदा। अरे कहा होगी, थोड़ा दिक्कत आई ना, कोनो बात नहीं, हम रूखा सूखा खा ले, पर कम से कम शांति से तरह चली, छोड़ दी शहर। नहीं पूजा, हम अभी पटना नहीं छोड़ सकेली। बाबूजी अभी बहुत मुश्किल में फसल बाड़ा, उनकरा ऊपर रिश्वत देवे के झूठा केस बा। अभी तो हम उनकरा के जमानत पे छुड़ा ले आई बनी, लेकिन केस खत्म होके में अभी समय लगी। बाबू जी बहुत डिप्रेशन में बाड़ो, इस समय उनकरा के माई के और हमने के सबसे ज्यादा जरूरी बा। एक बार ये सब मामला खत्म हो जाए, फिर तू जहां कहबू जब कहबू हम चल चलब, छोड़ दे भी शहर। पहले कहत रहनी कि बाबूजी से बदला लेवे के बा, एक खातिर इज्जत से नहीं जाए,
और अब कहत है कि बाबूजी के साथ देवे के बा एक हाथी रिज्जा से नहीं जाए, का मतलब है एकर? पूजा, हम बाबूजी की वजह से नहीं, माई की वजह से रुकल बानी। अगर बाबूजी के कष्ट होगी तो माई के भी होगी। यही से पूजा, बाबूजी के कष्ट से निकालल बहुत जरूरी बा। पूजा, हम हो तारा संगे हंसी खुशी प्यार भरल जिंदगी गुजारल चाहता नहीं। जैसे ही सब खत्म होगी हमने चल चलल जाए। लेकिन पता नहीं काहे हमरा ये लागत था कि अबे शहर में रहल ठीक नहीं के। मन में एक डर बैठ गेल बा, ये गुड्डू और ओकर बहिन शालू दोनों आपके पीछे पड़ल हमन। गुड्डू तो कोनो भी बात होकेला आपके अपहरण करा लेवेला। गुड्डू से तो कोनो तरह आप दोबार बच गई थी, पर शालू, इस शालू भी अपने भाई जैसे जिद्दी बिया। ओकरा मन में आज भी आप कहते कुछ ना कुछ जरूर बा, यही से वैसे हरकत करत भी है। पता नहीं काहे हमरा डर लागत बा कि कहीं शालू आपके हमरा से छीन ना ले। पड़ गई नहीं, हम सही कहा थे, पता न काहे हमरा के शालू से डर लागेला। इच्छा मत रुकी, छोड़ दे शहर। नहीं पूजा, हमरा के तारा से केहू अलग नहीं कर सकेला, केहू नहीं। गुड्डू और शालू के इरादा निक नहीं बा, हम जानत नहीं, पर उ दोनों भी कोनो भी हालत में हमने दोनों के अलग नहीं कर सकेला। पूजा, कुछ दिन सब्र रख, जैसे ही सब ठीक होगी तू जहां कहबू हम चल के अपन प्यार भरल दुनिया बसाई। हाँ पूजा, साहब आज सारे टेंडर को अलॉट करने का आखिरी दिन है और अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है कि किस कंपनी को कौन सा टेंडर देना है, इसे आज ही डिसाइड करना होगा। एक टेंडर की फाइल? जी सर। चेक करो इसमें सबसे कम रेट में टेंडर किसने भरा हुआ है। इसमें सबसे कम रेट में टेंडर विशंबर जी की कंपनी से भरा गया है। देखो, जब तुम्हें पता है कि मुझे विशंबर का नाम भी सुनना पसंद नहीं है तो काहे लेते हैं उसका नाम? साहब, अब इसी का नाम लिखा है तो ठीक है, उसके बाद सबसे कम रेट किसका है वो देखूं। उसके बाद केजी साहब की कंपनी का सबसे कम रेट है। अच्छा, ठीक है, ऐसा करो सारा टेंडर केजी की कंपनी के नाम अलॉट कर दो। लेकिन साहब, जितना कहा उतना करो, जाओ। ठीक है साहब। अब तुझे पता चलेगा सक्सेना को रिश्वत देने का अंजाम क्या होता है। ले केजी साहब, जो मिठाई मंगोले ली आगे। अरे रुकी था, रुकी मोहन जी, ई ली पहले मिठाई खाई। कौन खुशी में? अरे पहले खाई था, बाद में बताए। मोहन, आज हम बहुत खुश बानी, तोरे हाथे से सक्सेना के लगे पैसा भिजवा के जो तीर हम चलौले रहे एकदम सटीक निशाना। सक्सेना ते विशंबर के पीछे ही पड़ गए।
सबसे पहले वो विशंभर के ऊपर रिश्वत देवे के केस कैलस, और फिर विशंभर के कंपनी के मिले वाला सगरो टेंडर हमरे कंपनी के नाम से करे के फैसला कर ले ले बा। का बात करता है केजी साहब, सच सच कहा था यहाँ 16 आना सच। आज हमरे खुशी के कोनो ठिकाना नहीं थे। एक समय रहा जब विशंभर हमरा के बहुत रुलौलस, बहुत तपलस। हमरा मिले वाला सगरो टेंडर पर पता नहीं कैसे कब्जा कर लेवे। आज जाके हमरे कलेजा में ठंडक पहुंचल है। अब ओकरा के कोनो भी टेंडर ना मिले, कोनो भी टेंडर ना। लेकिन केजी साहब, केस भइल बात पुलिस छानबीन भी करी, और कहीं पुलिस ही पता लगा ले ला कि उस सक्सेना के ब्रीफकेस हम ले जाके देले रहनी, तो हम तो फंस जाए। अरे पुलिस उल्टा लटका दे हमरा के। ऐसा कुछ ना हो कि मोहन जी, तो टेंशन मत ला। अरे टेंशन काहे नहीं है के जी साहब, टेंशन तो हमरा के बहुत होत बा। अलबत्ता तो ऐसा कुछ हो कि नहीं, और अगर कुछ ऐसा भइल भी तू टेंशन मत ला। ये दुनिया में हर चीज बिकेले, बस पैसा होके के चाहे। पुलिस उहे करी जौन हम चाह। चिंता मत करा, आके आराम से घोड़ा बेच के सुच जा। देखा है खुशी में तो हम भुलाई गई नहीं हमार काम करे के इनाम। धन्यवाद। हेलो का कैसे हो सकेला? हमारे कंपनी के कोटेशन तो सब लोड करे। श्रद्धा, श्रद्धा, कहाँ बच्चे? कुछ पानी, जरा सा पानी। जल्दी से पानी लेके आवा। तबियत ठीक बा? फोन रहे? बहुत बुरा भेला, हमरे साथ बहुत बुरा भेला श्रद्धा। पहले ही इतना घटना से हम आहत परेशान रह लिया, ऊपर से और ही एगो व्यापार में पहले से ही नुकसान पर नुकसान झेल रहे। ये वो आखरी उम्मीद रहल है। साफ साफ बोली ना, कहा भाई? तीन चार को टेंडर और लेने, सबसे लो रेट पर। इस सोच के कि टेंडर हमरे कंपनी के मिल जाए तो बहुत बड़ सहारा हो जाए। ऐसा कुछ था मैं, सब टेंडर हमरे हाथ से निकल गए। ना करिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता। इतना काहे हिम्मत हारत है? कोनो ना कोनो रास्ता तो निकलबे करी। भगवान एक रास्ता बंद करे ना तो दूसरा चालू कर देना। नहीं श्रद्धा, अपने खातिर हर रास्ता बंद हो गया। अब कुछ भी ठीक नहीं होगे भला बा, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमरा बचाए वाला केहू नहीं के।
अदालत में बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। जिस बहन के लिए आपने इतना कुछ किया, उस बहन ने कहा दिया आपको, हाँ? हम वादा करते हैं, हम आज के बाद कोनो गलत काम नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि शरीफ बन के जीने में हमको थोड़ा दिक्कत जरूर आएगा, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे। हम काले से काम खोजना शुरू कर देंगे।